दोस्तों आज हम लैपटॉप की M.2 SSD कैसे रिप्लेस करनी है वो देखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले नई M.2 SSD खरीद के रखनी होगी। स्क्रू ड्राइवर लेके हम लैपटॉप का बैक पैनल पहले खोल लेंगे। ध्यान रखिए कि आपको सभी स्क्रू खोलने हैं। स्क्रू में भी किसी स्टिकर के नीचे इस तरह हो सकता है, कोई भी स्क्रू बाकी रह गया तो आपका बैक पैनल खुल नहीं पाएगा। मैंने सारे स्क्रू खोल लिए हैं, अब मैं ये बैक पैनल निकाल लूँगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें नीचे सारा मदरबोर्ड और सारा सिस्टम दिख रहा है। ये रैम है, यहाँ पे आप दूसरी रैम बिठा सकते हो। यहाँ वाईफाई के चिप है, ये प्रोसेसर का फैन है और ये SSD है जो कि हम M.2 SSD से पहचानते हैं। ये SSD हमें रिप्लेस करनी है। हम ये ऊपर वाला स्क्रू खोल के ये SSD निकाल लेंगे। SSD पे सारा डिटेल लिखा होता है, जैसे कि कितने GB की है, कौन सी कंपनी की है और वारंटी वगैरह। SSD के बारे में जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। अब मैं नई SSD लेके उसको फिर से बिठा दूंगा और ऊपर वाला ये स्क्रू फिर से लगा लूंगा। अब मुझे इस नए SSD पे नई ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करनी होगी, तभी मेरा सिस्टम रेडी टू यूज़ होगा। हमने हमारी ओल्ड SSD नई SSD से रिप्लेस कर ली है। ये सब होने पर हम लैपटॉप स्टार्ट करेंगे, तो आप देख सकते हो कि हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।